हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, बज रहे हैं 8:30। आज चैत्र का नवरात्र आज से चालू हुआ है। आज 22 तारीख है, आशीष आज है और 22 तारीख है। तो आज से क्या बोलते हैं, लहसुन प्याज बच्चों से नहीं कहेंगे लेकिन बंद रहेगा। तो कल बनाए थे हम ब्रेड पकौड़ा, बच्चों को खाना होगा तो खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। तो ब्रेड पकौड़ा बना था रात को, आई नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ कद्दू लेके बैठे हुए, कद्दू बनाएंगे, वहाँ गर्म पानी चढ़ा दिए हैं पीने के लिए। कोशिश करते हैं ये गर्म पानी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होता है तब नॉर्मल पानी पीते हैं, फ्रिज वाला पानी नहीं पीते हैं। तो आज बनेगा कद्दू की सब्जी, रोटी और चावल दाल। चलिए पहले कद्दू काट लेते हैं, कद्दू रख लिए हैं। और कभी कभी मेरा वीडियो होता है ना, जैसे कि बोलना भूल जाते हैं, जैसे नेक्स्ट डे बोले, रात बना था ब्रेड पकौड़ा और इसका नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो सोचे कि नहीं बोल बता दें, ऐसे नहीं बताते तो दिक्कत हो जाता है। और सुबह रात को ना बहुत कस के बारिश हुआ, बहुत कस एकदम गरज गरज के, जैसे ही सोने गए से ही एक दिन और हुआ था, मतलब 2 दिन बारिश हुआ, रिमझिम रिमझिम हो रहा है। और एक दिन दोपहर को तो बहुत हुआ, रात को भी बहुत हुआ, एक दिन इतवार को लगता है कि रात को हुआ है खूब कस, मतलब संडे को। तो चलिए अब कद्दू काट लेते हैं। सुबह सुबह पहले बैठ के आराम से गर्म पानी लेकर पी लेते हैं। गर्म पानी जब पीने का आदत हो जाए ना तो अच्छा लगेगा, इधर मेरा छूट गया है तो ऐसे ना दिक्कत हो जाता है। धूप खूब खिला खिला निकला है। एकदम खिंचा कद्दू है, देख रहे हैं एक भी बीज नहीं है। इसका सब्जी बनेगा ना एकदम चटनी जैसन बनेगा। यही इतना छोटा कद्दू दिया है 40 रुपया में। बीज भी है ना इसमें तो एकदम छोटा छोटा बीज है, मतलब कि वो जुआल जुआल जो रहता है ना वो बीज नहीं है। इसका सब्जी बहुत चिकन चिकन अच्छा होगा। पहले इसको काट लेते हैं, कौन चिलोही से काटने में अच्छा बनता है तो चिलोही से काट लेंगे। हो गया कद्दू मेरे कट गए हैं। ये मिर्च ले लिए फ़ौरन के लिए, ये कहाँ कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं। अब मिर्चाई को तोड़ लेते हैं। रात खूब बारिश हुआ है, इधर देखिए धूप निकल गया, देख रहे हैं खूब गरज गरज के बारिश हुआ था। अब एकदम इस घड़ी मौसम एकदम साफ है, देख लीजिए धूप एकदम साफ है, झाड़ू लग रहा है। ये देखिए कल कपड़ा लाए थे, रात को उधर बारिश होने लगा था, अब इसको भी तह लगाना है। बेड उड हो गया है, हम सोचे थे कि कम्बल धो के रख देंगे लेकिन ठंडा बढ़ गया, अभी कम्बल नहीं रखेंगे।
कद्दू की सब्जी ना सबसे हेल्दी तरीका यही है बनाने का, हेल्दी भी रहता है स्वादिष्ट भी लगता है। कद्दू की सब्जी बन के तैयार, इसे ज़रा भी मेहनत नहीं है, बस हल्दी डालिए और इसको तोप दीजिए और जब गल जाए तब नमक डालिए। हम अभी भी नमक डाले हैं, तब इसका सब्जी का स्वाद देखिए, देखिए कितना चटनी जैसा हो गया है। दो चम्मच हमको पानी डालना पड़ा, सब्जी बन के तैयार। ये देखिए चटनी जैसा सब्जी हो गया है। अब ताज़ा कद्दू था, ये के भी बीज नहीं था, बीज भी था एकदम छोटा छोटा बीज था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ है, मस्त है। तो ये इवनिंग का समय है और हम यहाँ पर बना रहे हैं एक पट्टी चावल और एक पट्टी भुजिया। और यहाँ पर आटा सान लिए हैं, देख लीजिए, लगा लिए। और यहाँ पर दूध, और ये सुबह की थोड़ा सा सहजन की सब्जी बची हुई है, और ये दाल सब चल जाएगा साथ में। और आज बृहस्पतिवार है, तारीख आज नवरात्रा का दूसरा दिन है, कल नवरात्रा चढ़ा है और नवरात्रा का दूसरा दिन है। और मार्केट गए थे सब्जी के लिए, सब्जी बहुत महंगा है मार्केट में, बाप रे बाप, इधर महंगा हो गया, उधर गए थे तो सब सस्ता था। वो टमाटर 10 रुपये केजी है, उसके बाद नेनुआ, कद्दू, परवल लाए हैं, कुछ कुछ सब्जी वो आप लोग को हम दिखलाएंगे, लेकिन कल के अथी में दिखलाएंगे, आज नहीं दिखलाएंगे। यही वीडियो कंटिन्यू करेंगे कल। गुड मॉर्निंग, तो रात के बाद ये सुबह का समय है और यहाँ पर हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, ये नेनुआ काट ली है, नेनुआ की सब्जी हमको बनानी है। रात को बनाया था वही भुजिया रोटी, और सुबह का थोड़ा सा दाल और सब्जी बचा हुआ था। यहाँ पर हम नेनुआ की सब्जी चढ़ा देंगे, हल्दी डाल लिए हैं। नवरात्रा भी चैत का चल रहा है ना, तो प्याज लहसुन बन रहा है, इसलिए गर्म गर्म खाइएगा तो स्वाद लगेगा, ऐसे कुछ स्वाद नहीं लगता है। गरम गरम एकदम बने और उसको निकाल लीजिए, निकाल के खा लीजिए। तो ही यहाँ पर दाल चढ़ा दिए, यहाँ सब्जी चढ़ा दिए, इसके बाद फिर चावल बनाएंगे, कुछ रोटी बनाएंगे, 10-12 रोटी बनाएंगे, दाल रोटी सब्जी और चावल। कल हम सब्जी जो लाए थे वो दिखला दे रहे हैं, कद्दू लाए थे और नेनुआ जो 1 किलो लाए वो बना दिए। ये टमाटर सबसे मार्केट में सस्ता टमाटर ही है, 10 रुपये केजी, तो ये 2 केजी हम लिए थे। ये सब्जी कल लाए थे, आधा दर्जन केला लाए हैं, और ये परवल 250 ग्राम परवल, बहुत महंगा लेकिन सब्जी हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा। करेला लिए हैं 15 रुपये के 250 ग्राम, बहुत महंगा इधर सब्जी हो गया है। और ये होली में चना नहीं लाए, तो ये हरा वाला चना है, सब भभरा बनाने के लिए लाए हैं। और ये घर से सहजन आया है, उसी का सब्जी बनाएंगे, रोज इतना इतना बना ही देते हैं, ढेर सा नहीं आया था,
इतना बनाएंगे शाम तक एकदम चल जाता है अच्छी तरह से। जहिया से आया है रोज बना रहे हैं, 3 दिन अजैला हो गया, 3 दिन से एकदम सही जन चल रहा है। तो यहाँ पर दाल हो गया है, ये धनिया का सब्जी अभी चढ़ा हुआ है, ये देखिए थोड़ा सा पानी है सूखेगा। यहाँ पर ये नलुआ का सब्जी बन गया और ये दाल बन गया, अभी तड़का लगाना बाकी है। और यहाँ पर सहजन काट लिए हैं और यहाँ पर चावल चढ़ा हुआ है, यहाँ पर आलू की भुजिया चढ़ा हुआ है।